सौंपी गई है। दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं विक्रम उसेंडी की जगह अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे पूर्व मंत्री विष्णुदेव सवाई। तो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री ये रहे हैं। अभी तक विक्रम उसेंडी कमान संभाले हुए थे लेकिन अब उनकी जगह विष्णुदेव साय को कमान सौंप दी गई है। आपको बता दें ये लगभग पक्का माना जा रहा था, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी था लेकिन अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, दोबारा उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं, इससे पहले विक्रम उसेंडी को कमान सौंपी गई थी लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया है, तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव का नाम लगभग तय माना जा रहा था और अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब विष्णुदेव साय के कंधे पर, पूर्व मंत्री ये रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ से इनका गहरा नाता रहा है और जब जब इन्होंने पहले कमान संभाली थी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का हमने देखा था कि काफी वर्चस्व रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से बीजेपी को दिशा मिलती है इनके अध्यक्षता में। तो आपको बता दें संगठन और रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय और माना यही जा रहा था कि उनको कमान सौंपी जाएगी, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी था और विष्णुदेव साय को एक बार फिर से कमान दे दी गई है, तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं विष्णुदेव साय। आपको बता दें संगठन और सिर्फ रमन सिंह ही नहीं बल्कि आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय आखिर कौन है, इनका किस तरह का वर्चस्व रहा है छत्तीसगढ़ में, आरएसएस के करीबी रहे हैं और मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें केंद्र में ये मंत्री भी रहे हैं, वहीं सन 1999 से साल 2014 तक भी राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। साल 2006 से साल 2009 और फिर साल 2013 से पार्टी के ये अध्यक्ष रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है विष्णुदेव साय को, तीसरी बार उन्हें कमान सौंपी गई है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की अध्यक्ष चुने गए हैं विष्णुदेव साय। आपको बता दें जब मोदी सरकार अपना पहला कार्यकाल कर रही थी तब ये केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं विष्णुदेव साय। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, इनपुट एडिटर हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं। संजय जी, एक बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को, तीसरी बार उनको अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है छत्तीसगढ़ बीजेपी की। हाँ देखिये, विष्णुदेव साय वो नेता हैं जो पार्टी के भीतर लगभग सर्वमान्य नाम है, सर्वमान्य नेता हैं, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। वो पहले भी दो बार ये अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं यहाँ पर और हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है और कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका उठना बैठना काफी गहरे तक है। तो इसलिए ये एक ऐसा नाम था जो ये माना जा रहा था कि सर्वसम्मति इस नाम पे हो सकती है क्योंकि अलग अलग गुटों की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी में। अभी खासकर इस विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से गुटबाजी नजर आने लगी थी, जिस तरह से अलग अलग खेमे बन गए थे और उसमें से एक खेमा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी था और ये माना जा रहा था कि रमन सिंह के खेमे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, रमन सिंह के खेमे से अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए पार्टी के कुछ और जो दमदार नेता हैं वो इसमें लगे हुए थे। लेकिन विक्रम उसेंडी, जब आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जब धर्मलाल कौशिक को दी गई तो उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा तो विक्रम उसेंडी का नाम आया। विक्रम उसेंडी भी एक ऐसा चेहरा था जो सभी वर्गों को एक तरह से कबूल था लेकिन ये माना जाता है कि विक्रम उसेंडी रमन सिंह के खेमे के ही हैं और ये लगातार ये कोशिश हो रही थी प्रदेश के अंदर कि अगला जो अध्यक्ष बने वो भी कम से कम रमन सिंह के खेमे का माना जाए और न भी माना जाए तो कम से कम ऐसा हो जो कम विपक्षी खेमे का ना हो बल्कि सर्वमान्य हो। हालांकि विष्णुदेव साय के बारे में कहा जाता है कि वो रमन सिंह की पसंद है और रमन सिंह ने उन्हीं का नाम लगातार आगे बढ़ाया है लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो वर्ग अभी इन दिनों पार्टियों में पार्टी के अंदर जो दिखाई दे रहा है
जो अलग अलग गुट नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर जो इसके लिए घातक हो सकता है, वो शायद ये एक नाम ऐसा था विष्णुदेव साय जो उस अब वो खाई को भरने में शायद सफल होंगे और वो अलग अलग गुट जो खेमाबाजी है उसको भी शायद ये कुछ कम कर पाएंगे। हाँ। संजय जी एक सवाल ये भी उठता है कि अब कितना आप असर देखते हैं क्योंकि अब कमान बदल दी गई है और विक्रम उसेंडी की बात की जाए तो पिछला एक साल का कार्यकाल उतना प्रभावी नहीं रहा, अब आपको लगता है कि वाकई छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी अब फिर से उसी दमखम के साथ सामने आएगी? देखिए बीजेपी का जो जहां तक सवाल है तो विष्णुदेव साय एक ऐसे नेता है जो जिनसे किसी को शिकायत नहीं है, तो जाहिर है कि जब कोई शिकायत नहीं है नेता से तो पार्टी के लोग एक साथ ही रहेंगे। हाँ। वो वहां तक तो ठीक है लेकिन पूरे दमखम से पार्टी की वापसी की जहां तक बात है तो वो कार्यकर्ताओं के मनोबल पे निर्भर करेगा और इनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया था कार्यकर्ताओं के साथ मिलके उनके बीच जाकर काम किया था, तो एक तरह से जो छोटे कार्यकर्ताओं के बीच जो उठने बैठने की जो ये है प्रक्रिया है वो इनके साथ ज्यादा आसान है दूसरे नेताओं के, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि इनका कार्यकाल थोड़ा प्रभावी रहेगा, सभी तरह के लोग इनसे मिल सकेंगे अपनी बात रख सकेंगे और जो भी समस्या जो कार्यकर्ताओं की होगी इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि पार्टी पिछली बार इसी वजह से हारी थी तो उन कारणों को ऐसा लगता है कि विष्णुदेव शायद थोड़ा दूर कर पाएंगे। एक और चीज है आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ये आदिवासी नेतृत्व पार्टी का अभी है यहाँ पे मोहन मरकाम को बनाया गया है। हाँ। बस्तर से आते हैं, बस्तर में इस बार कांग्रेस ने पूरा सफाया कर दिया है बीजेपी का। हाँ। तो बीजेपी ने फिर अभी लोकसभा में कुछ थोड़ी सीटें अच्छी करी हैं लेकिन एक तरह से आदिवासी चेहरा ही यहाँ पे बीजेपी भी लगातार देना चाह रही थी और उसी को लेकर सहमति बनी थी और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे ओबीसी वर्ग का है तो अब जाहिर है कि जो अध्यक्ष का पद है वो आदिवासी को मिलना चाहिए इसलिए विक्रम उसेंडी को मिला था, अब आदिवासी से पद लेके वापस आदिवासी को ही देना था ये तय था और इसलिए एक तरह से वो बस्तर से हैं अगर कांग्रेस के नेता तो बीजेपी के नेता सरगुजा से हैं तो इस तरह से दो अलग अलग छोरों से ये पदाधिकारी दोनों दलों में दिख रहे हैं। संजय जी एक बार और तब भी सुर्खियों में आए थे विष्णुदेव जब टिकट कटने की बारी आई थी लोकसभा चुनाव की तो सबसे पहले इन्होंने अपना नाम रखा था और ये साफ तौर पर कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस पर सहमति जताई थी तो माना जा सकता है कि इससे भी केंद्रीय नेतृत्व पर काफी प्रभाव पड़ा था तो माना जा सकता है कि उसका फायदा इन्हें मिला है। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा तो मिला है कि रमन सिंह की पसंद होना। हाँ। पहली बात जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है जिनकी आज भी प्रदेश में पकड़ है पार्टी हाईकमान में भी पकड़ है। हाँ। तो ये पहला फायदा इनको मिला कि ये रमन सिंह के करीब माने जाते हैं। दूसरा फायदा ये था कि ये मोदी सरकार में जो पहली बार जब मोदी जी सरकार बना रहे थे तो उन्होंने विष्णुदेव साय को मंत्रिमंडल में शामिल किया था तो वो एक तरह से उस समय से उनको पता था कि जब अगला चुनाव जब होने वाला था तो उन्हें पता था कि सारे टिकट काटने की बात चल रही है और कोई भी अब रिपीट नहीं करना है, ये बीजेपी के अंदर बातें हो रही है तो उन्हें पता था कि अगर टिकट कटता ही है तो वो तैयार थे इसके लिए क्योंकि उन्हें तो मंत्री पद भी दे दिया गया है एक बार और सांसद वो पहले भी रह चुके हैं तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और पार्टी के बाकी नेताओं ने भी जब जिनका टिकट पार्टी ने काटा उन्होंने इसमें कभी कोई शिकायत नहीं की। खुद डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया था जो कि सांसद थे राजनांदगांव में जीते हुए थे तो ये जो है दरअसल पार्टी के गुड बुक में तो है ही क्योंकि अलग अलग वर्गों के बीच इनकी एक तरह से स्वीकार्यता है तो जहां पर जो एक स्वीकार्यता है जो अलग अलग खेमों में भी अगर नेता स्वीकार्य हो तो पार्टी वैसे नेता को आगे बढ़ाती है और दूसरी डिमांड भी थी परिस्थितियां भी थी एक कांग्रेस का आदिवासी नेता है तो यहां भी आदिवासी नेता होना चाहिए बैलेंस करने के लिए और एक चीज रमन सिंह की पसंद भी है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी संजय जी कि अब पसंद के तौर पर इनको कमान तो सौंप दी गई है अब छत्तीसगढ़ बीजेपी में कितना इसका असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए और इस वक्त हमारे साथ राजेश मिश्रा भी रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे यही कहा जा रहा था कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, हुआ भी वही, विष्णुदेव साय को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया।
जी बिल्कुल, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, हमने भी इससे इस संबंध में बहुत सारी खबरें दिखाई थी और लोगों को तर्क के साथ खबरें दिखाई थी, क्योंकि विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम था जो प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके उसके नाम पर उन्होंने सहमति थी, वो उसके लिए राजी थे। और अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो चूंकि अभी कांग्रेस का भी जो अध्यक्ष है वो भी आदिवासी क्षेत्र का है, तो इसको बैलेंस करते विष्णुदेव साय के नाम को प्राथमिकता से लिया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं उनके करीबी माने जाते हैं, निर्विवाद अभी तक उनका जो भी कार्यकाल, इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो उस समय निर्विवाद रहा। इसके अलावा वो मोदी जी के भी करीब हैं, मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो निर्देश केंद्र के द्वारा दिया जाता है, जो निर्देश केंद्र से मिलते थे, पार्टी हाईकमांड के मिलते थे, तो उनपे इनकी पूरी तरह से सहमति रहती थी, किसी प्रकार को कोई विरोध और किसी प्रकार की कोई आपत्ति कभी नहीं जताया। अभी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जब सभी सांसदों की टिकट काटी गई तो इन्होंने पहले ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो पार्टी जिस व्यक्ति के नाम से घोषणा करता है, जिसको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाता है, उसका वो समर्थन करेंगे। तो पूरा अगर हम बात कर लिया जाए तो पूरा जो राजनीतिक वो है और पिछला जो इनका रिकॉर्ड है उसको देखते हुए विष्णुदेव साय का नाम जो है लगभग पहले से ही तय माना जा रहा था, इसकी एक औपचारिक घोषणा होनी ही बची हुई थी। तो ये सब मामला था। और इसके अलावा इस सब विष्णुदेव साय का नाम इसलिए भी लगभग माना जा रहा था कि ओबीसी जो है, ओबीसी वर्ग का नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ओबीसी वर्ग के हैं, तो विष्णुदेव साय के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं थी। कुछ नाम और इन दिनों सामने में आए थे, जैसे विजय बघेल का नाम सामने में आया था, संतोष पांडे का नाम सामने में आया था, नारायण चंदेल भी इस दौड़ पे लगे हुए थे, मगर इन तमाम लोगों के अगर मान लो के बीच अगर देखा जाए तो नाम अंततः सहमति विष्णुदेव साय की बनी। और हम आज सवेरे ही इसकी संभावना व्यक्त कर चुके थे कि उनका नाम लगभग तय है, बिल्कुल निर्विवाद छवि के हैं और उनका नाम तय है। और अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। जी राजेश, एक सवाल ये भी उठता है कि विक्रम उसेंडी को हटा करके विष्णुदेव साय को कमान सौंपना, कि यही माना जाए कि लोकसभा में तो अपनी लात बचाने में कामयाब रही थी बीजेपी, लेकिन अगर शहरी और ग्रामीण पंचायत की अगर बात की जाए तो अच्छे वोट्स नहीं मिले थे, रायपुर की बात की जाए तो बहुमत माना जा रहा था लेकिन उसके बाद भी अध्यक्ष नहीं बन पाया, तो क्या यही सब कारणों के कारण अब एक बार फिर से कमान सौंपी गई है विष्णुदेव साय को? और वहीं गुटबाजी भी लगातार बीजेपी में सामने आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए दो तीन तरह के तर्क हैं। एक तो विक्रम उसेंडी का कार्यकाल लगभग समाप्त की ओर है, संगठन पूरा चुनाव हो चुका है, संगठन के मतलब दो चार जिलों को छोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हो रहे हैं, तो संगठन चुनाव होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वैसे ही बदला जाना था। रही बात दूसरी की विष्णुदेव साय के अगर हम बात करें, विक्रम उसेंडी के कार्यकाल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल की बात करें, तो उतना अपेक्षाकृत सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। एक लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दें तो बाकी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और तमाम जितने भी उपचुनाव हुए उन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। इवन बस्तर में जो उपचुनाव हुए थे जो विक्रम उसेंडी के इलाके के थे, उन उपचुनाव में भी विक्रम उसेंडी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं जिता पाए। तो अगर आकलन किया जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल विक्रम उसेंडी का नहीं रहा। और जब हमारी अभी आज कुछ देर पहले ही थोड़ी देर पहले ही उनसे इन संबंध में बातचीत हुई थी कि विष्णुदेव साय का नाम लगभग तय माना जा रहा है और आप अभी अब कुछ देर बाद मतलब आपका कार्यकाल कुछ देर का ही बचा है, कुछ देर जल्दी घोषणा हो जाए, तो उनका उनका यह कहना था, उन्होंने इस बात को कहा कि अपेक्षाकृत हमारे कार्यकाल में बहुत सारे चुनाव हुए, अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, मगर उन्होंने अपने कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में बहुत सारे सदस्य बने हैं, तो अगर तुलनात्मक किया जाए तो उतना अपेक्षाकृत कार्यकाल जो है विक्रम उसेंडी का नहीं रहा। और दूसरी बात रही गुटबाजी की, तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में जितने गुट माने जाते हैं, अलग अलग गुट है, उन सभी गुट में इस नाम पर किसी को कोई खास आपत्ति नहीं होगी ऐसा लगता है। और यही वजह है कि इस विष्णुदेव राजेश आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ धरमलाल कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC24 में। सर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान विष्णुदेव साय साहब को सौंप दी गई है। जी विष्णुदेव साय को मैं बधाई देता हूँ, एक अनुभवी नेता है, दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आदिवासी समाज के कदावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अनेक बार सांसद विधायक रहे हैं। और एक बात कह सकता हूँ कि जितनी उनकी सरलता है, जितनी उसकी निर्मलता है, जितनी निष्पक्षता है, सारे लोगों को साथ में लेकर के चलने की उनकी क्षमता है, और आने वाले समय में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम पुनः भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ।
कौशिक जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि दो बार पहले ये कमान संभाल चुके हैं और काफी अच्छा उस दौरान कार्यकाल रहा और एक बार फिर से इनको कमान दी गई है, कितना असर आप देखेंगे कि अब छत्तीसगढ़ बीजेपी में होगा? देखो, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा है मुझे, सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में एक उल्लास का वातावरण है, ये इस बात का संकेत है कि सर्वमान्य नेता के रूप में विष्णुदेव जी साय हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं और उनके सामने में ना कोई दल, ना कोई पक्ष, ना कोई विपक्ष, बल्कि ऐसे उनमें गुण है, संगठन की अद्भुत क्षमता है और ये जो उनकी क्षमता है वो क्षमता का ही परिणाम है कि तीसरे बार पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से वो खड़े उतरेंगे। हम उनके सहयोगी के रूप में हम सब उनके साथ में काम करेंगे और पार्टी को पुनः आगे बढ़ाने में उनके साथ सहयोगी के रूप में मदद करेंगे। बिल्कुल कौशिक जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ खड़े हुए और एक बार फिर से पार्टी को वही ऊर्जा मिले। सर, एक लास्ट सवाल, क्या लगता है आपको कि विष्णुदेव साय की हमेशा से बेदाग छवि रही है और उनके मिलनसारिता के साथ जो गुट की राजनीति से वो दूर रहे, क्या इसका उन्हें फायदा मिला है? आप अच्छे से समझा पाएंगे इसको? देखिए, उनको सामान्य रूप से दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जिस प्रकार की उनकी एक छवि है, जिस प्रकार की एक लोकप्रियता है, तो उनके खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते, कोई आरोप नहीं लगा सकते। और ये उनको लाभ भी मिला है और मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और नए सिरे से उभर करके हम छत्तीसगढ़ बनाने में, छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे। कांग्रेस के जो कुशासन है उसके लिए संघर्ष करेंगे और उनके नेतृत्व में जहां जनहित के विरोधी कार्य हो रही हैं, निश्चित रूप से सबके सब मिलकर के उसका सामना करेंगे। ठीक है, कौशिक जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद अरुण साय जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। सर, एक बार फिर से विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंपी गई है, किस तरह से आप उसको देखते हैं, कितना असर होगा अब इसका? विष्णुदेव साय जी एक आम कार्यकर्ता हैं, बहुत ही सहज सरल और एक अनुभवी नेता, जो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से उनका व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव है। पार्टी के बड़े अनुभवी और कद्दावर नेता हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में होगी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सफल हो पाएंगे। चलिए अरुण जी, एक और सवाल कि आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद रहे हैं, तो आपने काफी करीब से उनको देखा है, क्या लगता है आपको उनके ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे कि तीसरी बार कमान मिलना बहुत बड़ी बात होती है? निश्चित रूप से उनका जो दीर्घ अनुभव है और जितना सहज सरल होकर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से परिचय है, आत्मीय लगाव है और पार्टी के प्रति एक निष्ठावान समर्पित होकर काम करने की उनकी जो क्षमता है, इसके कारण पार्टी ने फिर से एक बार उन पर विश्वास किया है। मैं विष्णुदेव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे कद्दावर नेता को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है। हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर विष्णुदेव जी साय के नेतृत्व में प्रदेश में काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, आपने भी मतलब बतौर अध्यक्ष आपने सेवा की है छत्तीसगढ़ की और बीजेपी को एक नया दिशा भी आपने दिया है, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं कि एक बार फिर से कमान सौंपी गई है विष्णुदेव साय जी को? विष्णुदेव साय जी सादगी और सरलता के साथ में संगठन की अद्भुत क्षमता भी है उनमें, कार्यकर्ताओं के साथ में लेकर के चलने की योग्यता भी है उनमें और एक प्रकार से उनका जो अनुभव है कि दो बार जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और काम करने के बाद में सरकार में पार्टी आई, लोकसभा चुनाव में जो विजयश्री मिले, बाकी चुनाव में जो सफलता मिले और ये उनका अनुभव है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बार पुनः उनके काम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा।
धर्मनाथ जी, एक बात ये भी कि अगर पिछले कुछ दिनों से दबे ही आवाज में ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उतनी दमखम के साथ सामने नहीं आ पा रही है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा नहीं पा रही है, अब आपको लगता है कि अब एक नया कमान मिला है, एक नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर से बीजेपी वापसी करेगी? देखिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति रही है और लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण में हम जितने सड़क में निकल करके सरकार के कुशासन के खिलाफ में आंदोलन करना चाहते थे, स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति नहीं थी कि कर सके। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होगी, सरकार ने जितने यहाँ पर झूठे वायदे किए, वायदे करने के बाद में सरकार में आए और सरकार में आने के बाद में जो एक प्रकार से वायदे को भूल गए, मुझे लगता है आज उनको याद दिलाने की जरूरत है कि कहना आपके जो कथनी है और जो करनी का अंतर जो दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने वोट के नाम पर धोखा दिया और धोखा देने के बाद में आप पलटी मार गए हैं, निश्चित रूप से उनको याद दिलाने की जरूरत है और उसको याद दिलाएंगे हम लोग। चलिए धर्मलाल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी एक नई ऊर्जा के साथ सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। और लगातार हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।